नमस्कार दोस्तों, मिस्टीरियस न्यूज में आपका स्वागत है। थर्ड आई, जिसे दिव्य चक्षु या मन की अंग भी कहा जाता है, ध्यान के अलावा अन्य तरीकों से भी सक्रिय किया जा सकता है। आज्ञा चक्र के सक्रिय होते ही आकर्षण का नियम भी काम करने लगता है। आकर्षण का नियम जो आपकी किसी भी इच्छा को सच करने का आसान तरीका है। थर्ड आई या तीसरी अंक सक्रिय करने की विधि जानने से पहले यह जान लेना अति आवश्यक है कि थर्ड आई वास्तव में होता क्या है। थर्ड आई, जिसे हिंदी में तीसरी आंख या आज्ञा चक्र भी कहते हैं, इसे कई नामों से जाना जाता है। यह माथे के बिल्कुल बीच तथा भ्रुकुटी के मध्य में स्थित होती है। कुछ लोग इसे छठी इंद्रिय अर्थात सिक्स्थ सेंस के नाम से भी जानते हैं। विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र की दुनिया में इसे पिनियल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। अध्यात्म जगत के अनुसार आत्मा का निवास स्थान यहीं पर होता है तथा इसे सबकॉन्शियस माइंड अर्थात अवचेतन मन भी कहा जाता है। यदि थोड़ा विस्तार में जाएं तो आशा है कि आप सभी शिव जी के तीसरे नेत्र से परिचित हैं। आपको यह भी पता होगा कि वह कितनी शक्तिशाली है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें ईश्वर ने 5 इंद्रियां दी हैं, जिसका सरलता से प्रयोग कर हम सभी जीवन यापन करते हैं, किंतु इस छठी इंद्रिय का प्रयोग करने के लिए हमें अपने आप को प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने की मेहनत करनी पड़ती है, अर्थात इसे जागृत करना पड़ता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि आखिर तीसरी आंख खोलने की क्या आवश्यकता है। यदि आपके मन में ये सवाल उठता है कि जीवन तो आसानी से चल रहा है, फिर ये सब करने की क्या आवश्यकता है, तो इसे समझने की कोशिश करें। वैज्ञानिक भाषा में कहा जाए तो मनुष्य अपने मस्तिष्क का सिर्फ 10 या 15% हिस्सा ही प्रयोग करता है। तो आपको नहीं लगता कि हमें कोशिश कर अपनी सारी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए। थर्ड आई अर्थात आज्ञा चक्र वे छठी इंद्रिय है, जिसकी मदद से आप जिन चीजों को खुली आंखों से देख नहीं सकते, हाथों से छू नहीं सकते और कान से सुन नहीं सकते, उसे भी महसूस कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आप उन सभी अदृश्य चीजों का अनुभव कर सकते हैं जो आपके आसपास हैं, किंतु आप उससे अनजान हैं। आज्ञा चक्र को कुछ लोग इसे इंट्यूशन भी कहते हैं। तो यदि कोई इतनी शक्तिशाली चीज आपके भीतर सुप्त अवस्था में पड़ी हुई है तो उसे जगाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। आज्ञा चक्र के खुलने से क्या लाभ होते हैं? यदि आप अभी भी संकोच में हैं कि आपको थर्ड आई सक्रिय करना चाहिए या नहीं, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें, शायद आपको बेहतर वजह मिल जाए। जैसा कि हमने पहले जाना, यह शक्तियों का स्रोत है। जैसे ही आप उसे खोलने की दिशा में काम करना शुरू करते हैं, सारी सुप्त अलौकिक शक्तियां जागृत होने लगती हैं। उदाहरण के लिए, आपसे हीलिंग ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है, आपकी श्रवण और दृश्य शक्ति प्रबल हो जाती है। जब आपकी तीसरी आंख खुल जाती है तो आप टेलीपैथी कर पाते हैं। टेलीपैथी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप दूर बैठे किसी भी इंसान को अपना कोई संदेश विचारों द्वारा भेज सकते हैं, या कोई इंसान आपके बारे में कहीं बैठकर कुछ सोच रहा है या बातें कर रहा है तो आप उसे महसूस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप यह भी जान सकते हैं कि सामने वाला आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहा है या बुरा। आप अदृश्य अनदेखी चीजों को भी देख सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर किसी न किसी शक्ति का वास हो, फिर चाहे वह नकारात्मक शक्ति हो चाहे सकारात्मक। जब आपकी तीसरी आंख खुलती है तो आप किसी स्थान पर उपस्थित उस शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। जैसा कि आपने पहले जाना, आपको शक्तियों का अनुभव होने लगता है। इतना ही नहीं, आपकी संवेदनशीलता इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आप यह भी महसूस कर सकते हैं कि वहां पर उपस्थित शक्ति नकारात्मक है या सकारात्मक। सही और गलत पहचाने की शक्ति में जबरदस्त तीव्रता आ जाती है। आपको ज्यादा कुछ आंकलन करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस एक नजर में आप सच जान लेते हैं, अर्थात आपकी इंट्यूशन शक्ति बढ़ जाती है। आप दूसरों का ऑरा आसानी से देख सकते हैं, ऑरा देखकर आप उसके विचारों को भी पहचान लेते हैं। ऑरा ऊर्जा का एक घेरा होता है जो हमारे शरीर के चारों ओर स्थित होता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा ऑरा बनता है, और वे हमें बाहर की ऊर्जा से सुरक्षित रखता है। आपने अक्सर देवी देवताओं के चित्र में देखा होगा कि उनके सिर के चारों तरफ एक चक्र सा दिखाई देता है, उसे ऑरा कहते हैं। जो इंसान जैसा सोचता है उसके विचारों के हिसाब से अलग अलग रंग की ऊर्जा से उसका ऑरा बनता है। थर्ड आई के सक्रिय होने पर आपका बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है। आप यह समझने लगते हैं
कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कुछ भी अलग नहीं है। आपके मन में साक्षी भाव आने लगता है। आप परिस्थितियों को अपने नजरिए से नहीं बल्कि वे जैसी हैं वैसे ही देखने लगते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि आप सुख दुख की भावना से ऊपर उठकर आनंदित होकर जीने लगते हैं। तीसरी आंख खोलने का एक फायदा यह भी है कि आप परिस्थितियों के वश में नहीं होते हैं। अक्सर परिस्थितियों के हिसाब से लोगों का मानसिक संतुलन बनता और बिगड़ता रहता है। थर्ड आई सक्रिय होने के बाद परिस्थितियां बिल्कुल भी आप पर हावी नहीं होती हैं। तीसरी आंख के जागृत होने से आप सारी नकारात्मक भावनाओं से मुक्त हो जाते हैं तथा आपका हृदय प्रेम से भर जाता है। आपको किसी पर गुस्सा नहीं आता, ना ही नाराजगी होती है, क्योंकि आपकी समझ में ये आ जाता है कि सामने वाला यदि ऐसा है तो क्यों है। उदाहरण के तौर पर अगर आपका कोई मित्र या संबंधी जिसका व्यवहार आपको कभी पसंद नहीं आया, जब आपकी तीसरी आंख खुलने लगती है तो आपको बोध होने लगता है कि कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा है तो क्यों है। वह उसके किसी पिछले जन्मों के कर्मों का फल हो सकता है या किसी परिस्थिति का परिणाम हो सकता है। जैसे ही आपको इस बात की अनुभूति होती है, आप उस व्यक्ति को पसंद करने लगते हैं या फिर स्वीकार करने लगते हैं। आप अधिक कृतज्ञ रहने लगते हैं। आपको हर परिस्थिति में उसमें छिपी अच्छाइयां नजर आने लगती है। आपको किसी इंसान से किसी परिस्थिति से कोई उम्मीद या शिकायत नहीं रह जाती है, जिसका परिणाम यह होता है कि आपके बिगड़े हुए रिश्ते भी सुधारने लगते हैं और अन्य रिश्तों में और भी मधुरता आ जाती है। आपकी तीसरी आंख खुलने का सबसे अच्छा अनुभव यह होता है कि आप भूतकाल में घटी घटनाओं के बारे में सोचना तो दूर, आप उसमें थोड़ी भी रुचि नहीं ले पाते हैं। थर्ड आई खुलने के संकेत या अनुभव कैसे होते हैं? जैसे ही आपका आज्ञा चक्र खुलने लगता है, आपको भिन्न भिन्न चीजों के नए नए अनुभव होने लगते हैं, जिनमें से कुछ अनुभवों का रहस्य आप इस वीडियो में जानेंगे। किसी घटना के होने से पहले आपको उसका अनुभव होने लगता है, संकेत मिलने लगते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने कोई घटना देखी जो अभी अभी घटित हुई है, किंतु आपको लगेगा कि ये तो हमने पहले भी कहीं देखा है, अर्थात आपको पूर्वानुमान हो सकते हैं। आपके माथे पर तनाव, खिंचाव, कभी कभी दर्द भी हो सकता है। दोनों भौहों भ्रिकुट्टी के बिल्कुल मध्य बीच माथे पर तीव्र तनाव का अनुभव होने लगे तो समझिए आपकी तीसरी आंख खुल रही है। आपके भोजन का चुनाव और समय बदल सकता है। यदि आपको बाहर होटल आदि के खानों में रुचि थी तो अचानक वे खत्म हो सकती है। तली और भुनी हुई चीजों के बजाय आपको सात्विक भोजन जैसे फल या फिर हरी सब्जियां या कच्चे और अंकुरित अन्न खाना अच्छा लग सकता है। आप चीजों को अलग तरीके से देखने लगते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आपकी ऊर्जा एक दूसरे डिमेंशन में प्रवेश करने लगती है। जिन परिस्थितियों में पहले आप उत्तेजित हो जाया करते थे या आपको गुस्सा आ जाया करता था, उन्हीं परिस्थितियों में अब आप शांत रहने लगते हैं। आपके ध्यान की गहराई बढ़ जाती है। कुछ अजीब गहरा और सुंदर अनुभव होने लगता है। आप इतनी गहराई में जाने लगते हैं जहां से आपको बाहर आने का मन नहीं करता है। आपको शांत और अकेले रहना पसंद आने लगता है। आपकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। आप ऊर्जा के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। लोगों के प्रति, अपने विचारों के प्रति, दूसरों की भी भावनाओं के प्रति आपकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। जब तीसरी आंख खुल रही होती है तो आप एक अलग तरह का सिर दर्द अनुभव कर सकते हैं, जो माथे से होकर सिर के चारों तरफ महसूस हो सकता है। कुछ तनाव या खिंचाव सा हो रहा होता है। यदि आपको ऐसा महसूस हो तो खुद को बिल्कुल भी ढीला छोड़ दें तथा प्रकृति के सानिध्य में समय बिताएं। नींद की गहराई बढ़ जाती है। कई बार मनुष्य चाहकर भी सो नहीं पाता है। जब आप तीसरी आंख खोलने का प्रयत्न करते हैं तो आपके सोने और जागने दोनों के समय में परिवर्तन हो सकता है। इसका सबसे अच्छा अनुभव है कि सुबह 3:30 से 4 के बीच नींद खुल जाती है। आपको एक अदृश्य शक्तिशाली तार दिखने लगता है जो परिस्थिति या मनुष्य को एक दूसरे से जोड़ता है। आपकी समझ में आने लगता है कि कुछ भी अलग नहीं हो रहा है, बल्कि सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आपको खास नंबर दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि आप जितनी बार घड़ी पर नजर डालते हैं, आपको 11:11, 12:12, 1:1, 4:4 इत्यादि इस तरह के नंबर दिखने लगते हैं। इस तरह इन नंबरों के दिखने का अर्थ होता है कि आप एक समय के अलग डिमेंशन में प्रवेश कर रहे हैं। सुख सुविधाओं से आपका मन उठने लग सकता है।
आपको प्रकृति तथा जीव जंतुओं के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगता है। यहाँ तक कि उनके साथ भी आपको एक जुड़ाव दिखाई दे सकता है। ये कुछ अनुभव हैं जो ज्यादातर लोगों को होते हैं। इनमें एक विशेष बात यह है कि हर व्यक्ति को अलग अलग अनुभव हो सकते हैं और यह अनुभव उनके कर्मों के आधार पर होते हैं। यदि आपको ऐसे अनुभव नहीं होते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका ध्यान काम नहीं कर रहा है। आपको कुछ अलग अनुभव भी हो सकते हैं। दोस्तों, यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को